हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्जाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मनोसामाजिक सिद्धांत, साइको सोशल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट। ये जो सिद्धांत है ये एरिक इरिक्सन ने दिया था। जो एरिक इरिक्सन है ये अमेरिकी साइकोलॉजिस्ट थे और इनका जन्म जर्मनी में हुआ था। इनका जन्म 15 जून 1902 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1994 में हुई थी। जो एरिक इरिक्सन है इन्होंने फ्रायड के मनोलैंगिक सिद्धांत में सुधार करके मनोसामाजिक सिद्धांत दिया। उन्होंने यह सिद्धांत 1950 में अपनी पुस्तक बाल्यकाल और समाज, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। उन्होंने बताया कि मनुष्य को जन्म से और वृद्धावस्था तक 8 अवस्थाओं से गुजरना होता है। एरिक्सन ने इस बात पर बल दिया कि व्यक्तित्व और व्यवहार जन्म के बाद किस प्रकार प्रभावित होते हैं। एरिक्सन का जो सिद्धांत है इसका केंद्र बिंदु ये है कि मानव के व्यक्तित्व का विकास कई पूर्व निश्चित अवस्थाओं से होकर गुजरता है। ये जो अवस्थाएं होती है ये सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, और जिस प्रक्रिया के द्वारा ये अवस्थाएं विकसित होती है वो एक विशेष नियम के द्वारा नियंत्रित होती है और इस नियम को पश्चजात नियम या एपिजेनेटिक प्रिंसिपल कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साइको सोशल स्टेजेस, मनोसामाजिक अवस्थाओं की विशेषताएं। प्रत्येक मनोसामाजिक अवस्था में एक क्राइसिस या संकट से सामना होता है। यहाँ पे क्राइसिस का मीनिंग है जीवन काल का एक ऐसा परिवर्तन बिंदु, ऐसा टर्निंग पॉइंट जो उस अवस्था में जैविक परिपक्वता और सामाजिक मांग दोनों में अंतरक्रिया के कारण व्यक्ति में उत्पन्न होता है। सोशल डिमांड और मैच्योरेशन, इन दोनों की इंटरेक्शन के कारण उत्पन्न होता है। प्रत्येक क्राइसिस में एक सकारात्मक और एक नकारात्मक गुण होता है। ये जो क्राइसिस उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही कंपोनेंट होते हैं। एरिक्सन प्रत्येक अवस्था में संघर्ष, कन्फ्लिक्ट का होना आवश्यक मानते हैं। यदि इस संघर्ष का व्यक्ति संतोषजनक ढंग से समाधान कर लेता है तो इससे उसके विकसित अहम या ईगो में जो नेगेटिव कंपोनेंट है वो एलिमिनेट हो जाते हैं तथा व्यक्तित्व विकास में बाधा होने की संभावना कम रह जाती है। प्रत्येक मनोसामाजिक अवस्था के क्राइसिस को व्यक्ति को दूर करना होता है या जो क्राइसिस है उनका समाधान करना होता है। इस संकट का समाधान करते हुए व्यक्ति अगले चरण की ओर विकसित होता है। क्राइसिस का सफलतापूर्वक समाधान करते हैं तो व्यक्तित्व का अच्छा विकास होता है और इसके अपूर्ण रहने पर एक कमी उत्पन्न होती है। प्रत्येक अवस्था में क्राइसिस का समाधान कर लेने से व्यक्ति में एक विशेष मनोसामाजिक शक्ति या स्ट्रेंथ की उत्पत्ति होती है। इस शक्ति को एरिक्सन ने सदाचार का नाम दिया है। नेक्स्ट देखते हैं एरिक्सन के अनुसार मनोसामाजिक अवस्थाएं, एरिक्सन्स साइको सोशल स्टेजेस। सबसे पहले मैं इन स्टेजेस के नाम बता देती हूँ, उसके बाद हम इन स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट स्टेज है वो है ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास। सेकंड है ऑटोनोमी वर्सेज शेम एंड डाउट, स्वतंत्रता बनाम लज्जा एवं संदेह। थर्ड है इनिशिएटिव वर्सेज गिल्ट, पहल बनाम अपराध भावना। फोर्थ है इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियोरिटी, परिश्रमशीलता बनाम हीनता। नेक्स्ट है आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। नेक्स्ट है इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन, घनिष्ठता बनाम अलगाव। नेक्स्ट है जनरेटिविटी वर्सेज स्टैग्नेशन, प्रजनन बनाम स्थिरता या ठहराव। नेक्स्ट है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेज डिस्पेयर, स्व संगठन या अहम संपूर्णता बनाम निराशा। फर्स्ट स्टेज है ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, विश्वास बनाम अविश्वास। ये जो स्टेज है ये जन्म से और 1.5 वर्ष की अवस्था तक होती है। यह शैशवकाल या इन्फेंसी स्टेज में होती है। इस चरण में यदि बालक का पालन पोषण अच्छी तरह से होता है, यदि बच्चे की माँ उसकी केयर अच्छे तरीके से करती है तो उसमें विश्वास और सुरक्षा की भावना का विकास होता है। यदि बच्चे का पालन पोषण अच्छे से नहीं किया जाता है, उसकी केयर ठीक से नहीं होती है तो बच्चे के अंदर असुरक्षा की भावना का विकास हो जाता है, अविश्वास की भावना का विकास हो जाता है, जिससे कि एक अस्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण होता है।
बच्चे के व्यक्तित्व में विश्वास और अविश्वास इन दोनों का एक उचित अनुपात होना चाहिए। बच्चा हर किसी पर विश्वास करे ये भी ठीक नहीं है। स्टेज में पैदा हुए कन्फ्लिक्ट का सफलतापूर्वक समाधान कर लिया जाता है तो बच्चे में एक विशेष गुण या शक्ति उत्पन्न होती है जिसे एरिक्सन ने होप या आशा नाम दिया है। नेक्स्ट है ऑटोनोमी वर्सेज शेम एंड डाउट, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता और संदेह। यह अवस्था 1.5 वर्ष से 3 वर्ष तक होती है। यह पूर्व बाल्यकाल या अर्ली चाइल्डहुड में होती है। इस स्टेज में बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। यदि उसे अच्छी तरह से संभाला जाता है तो वो इस चरण को लज्जित महसूस करने की बजाय निश्चित होकर पार कर लेता है। यही वह समय अवधि होती है जिसमें बालक अपनी इच्छा पर बल देना सीखता है। यदि माता पिता बच्चे को छोटा समझकर उसे कोई भी काम नहीं करने देते हैं तो इस एज में बच्चे के अंदर लज्जाशीलता और संदेह विकसित हो जाता है जिससे बच्चे स्वयं पर डाउट करने लगते हैं, खुद को शक्तिहीन समझने लगते हैं। इस स्टेज में जो कन्फ्लिक्ट पैदा होता है यदि बच्चा उसका समाधान कर लेता है तो उसमें एक शक्ति या गुण विकसित होता है जिसे एरिक्सन ने विल पावर कहा है। विल पावर ऐसी शक्ति होती है जो बच्चे को स्वतंत्र होकर अपनी रुचि के अनुसार कार्य करने में सक्षम बनाती है। नेक्स्ट है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, पहल बनाम अपराध भावना। यह है अवस्था 3 वर्ष से 6 वर्ष तक होती है। यह है प्री स्कूल एज में होती है। इस एज में बच्चा घर से बाहर जाकर खेलने लगता है, वो थोड़ा सामाजिक हो जाता है, बच्चा इनिशिएटिव लेना पसंद करता है। यदि इस अवस्था में बच्चे को ज़्यादा रोका टोका जाता है, उसको पनिशमेंट दिया जाता है, उसकी इच्छा को दबाया जाता है तो बच्चे के अंदर गिल्ट का भाव पैदा हो जाता है। ऐसे बच्चे कभी भी खुलकर खुद को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, वो हमेशा भयभीत रहते हैं, दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं। इस स्टेज में जो कन्फ्लिक्ट या द्वंद्व पैदा होता है जब बच्चा उसका सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तो उसमें जो शक्ति का विकास होता है एरिक्सन ने उसे पर्पज या उद्देश्य कहा है। नेक्स्ट है इंडस्ट्री वर्सेज इन्फीरियोरिटी, परिश्रमशीलता बनाम हीनता। यह अवस्था 6 वर्ष से 12 वर्ष तक होती है। यह है स्कूल एज में होती है। इस स्टेज में बच्चा स्कूल में डिफरेंट प्रकार की स्किल सीखता है जिससे उसके अंदर परिश्रम की भावना का विकास होता है। परिश्रम की ऐसी भावना को टीचर्स और पेरेंट्स के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। जब बच्चे को अपने कौशल पर शक हो जाता है या उसे लगता है कि वो कौशल को अर्जित नहीं कर पा रहा है तो बच्चे के अंदर हीनता की भावना का विकास हो जाता है। हीनता की भावना के कारण बच्चे का अपनी क्षमता पर से विश्वास समाप्त हो जाता है। इस स्टेज में जो कन्फ्लिक्ट पैदा होता है उसका बच्चा सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तो उसे एक गुण विकसित होता है जिसे एरिक्सन ने सामर्थ्य या कॉम्पिटेंसी कहा है। सामर्थ्यता से यहाँ अभिप्राय है किसी कार्य को पूरा करने में शारीरिक और बौद्धिक क्षमताओं का उचित प्रयोग करना। नेक्स्ट है आइडेंटिटी वर्सेज रोल कन्फ्यूजन, पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। यह 12 वर्ष से 20 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बचपन पीछे छूट जाता है और बच्चा किशोर अवस्था में प्रवेश करता है। बच्चा अपने लिए एक स्थान की तलाश करता है, एक परिचय की तलाश करता है। वह इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास करता है कि मैं कौन हूँ। एरिक्सन के अनुसार इस स्टेज में रोल कन्फ्यूजन या आइडेंटिटी क्राइसिस उत्पन्न होते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस या भूमिका संभ्रांति का यहाँ पे मीनिंग है पहचान की उपस्थिति का अभाव, अर्थात किशोर यह नहीं देख पाते हैं कि वे कौन हैं, वो इस संसार के साथ कैसे सकारात्मक रूप से जुड़ सकते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस के कारण बच्चा खुद को उद्देश्यहीन समझता है, इससे उसकी एजुकेशन के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ता है और जो किशोर है उसके अंदर नेगेटिव आइडेंटिटी विकसित हो जाती है, अर्थात एक ऐसी पहचान जो उसके माता पिता और मित्र द्वारा बताई गई पहचान के विपरीत होती है। इस स्टेज में जो कन्फ्लिक्ट पैदा होता है जब किशोर उसका सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तो उसमें एक शक्ति का विकास होता है जिसे एरिक्सन ने कर्तव्यनिष्ठता कहा है। नेक्स्ट है इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन, घनिष्ठता बनाम अलगाव। यह अवस्था 20 वर्ष से 45 वर्ष तक होती है। यह अर्ली एडल्टहुड या पूर्व प्रौढ़ अवस्था में होती है।
इस अवस्था में व्यक्ति माता पिता भाई बहन या और रिश्तेदारों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करता है। वह शादी करकर पारिवारिक जिंदगी में प्रवेश करता है। इस अवस्था में खतरा यह रहता है कि कुछ व्यक्ति कुछ कारणों से दूसरों के साथ संतोषजनक या घनिष्ठ संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं। अब वो अपने आप में ही खोए रहते हैं। इसे विलगन या आइसोलेशन की संज्ञा दी गई है। ऐसे व्यक्तियों में जब विलगन की मात्रा अधिक हो जाती है तो व्यक्ति समाज विरोधी व्यवहार करने लगते हैं। व्यक्ति द्वारा इस स्टेज में पैदा हुए कन्फ्लिक्ट का सफलतापूर्वक समाधान कर लेने पर जो शक्ति विकसित होती है, एरिक्सन ने उसे लव या स्नेह कहा है। नेक्स्ट है जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन, प्रजनन बनाम स्थिरता। यह अवस्था 45 वर्ष से 65 वर्ष तक होती है। यह लेट एडल्टहुड या उत्तर पूर्ण अवस्था से संबंधित है। इसे अभिभावक संबंधी जिम्मेदारी के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें व्यक्ति की अगली पीढ़ी को उत्पन्न करने और उन्हें निर्देशित करने में रुचि होती है। व्यक्ति उत्पादक और सृजनात्मक ढंग से कार्य करने में समर्थ होता है। इस रुचि का अभाव होने पर व्यक्ति गतिहीन हो जाता है। जब व्यक्ति में जननात्मकता की चिंता उत्पन्न नहीं होती तो उसमें स्थिरता पैदा होने का खतरा बढ़। अपनी स्वयं की आवश्यकताएं और सुख सुविधाएं ही सर्वोपरि होती है। वो दूसरों की चिंता नहीं करते। इस स्टेज में जो कन्फ्लिक्ट पैदा होता है उसका सफलतापूर्वक समाधान कर लेने पर व्यक्ति में जिस शक्ति का विकास होता है, एरिक्सन ने उसे केयर नाम दिया है। केयर का यहाँ अर्थ है दूसरों के कल्याण की चिंता करना। नेक्स्ट है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, स्व संगठन बनाम निराशा। यह अवस्था 65 वर्ष से और मृत्यु तक होती है। यह वृद्धावस्था से संबंधित है। इसको बुढ़ापे की अवस्था भी कहा गया है। इस अवस्था में व्यक्ति का ध्यान भविष्य से हटकर अपने बीते दिनों पर और उसमें प्राप्त की गई सफलता और असफलता की ओर अधिक होता है। इस अवस्था में व्यक्ति पिछली अवस्थाओं की घटनाओं का मूल्यांकन करता है। इससे उसमें अहम संपूर्णता, ईगो इंटीग्रिटी का भाव उत्पन्न होता है। इस अवस्था में यदि कोई व्यक्ति अपने पीछे की अवस्थाओं के बारे में सोचकर खुद को असफल महसूस करता है तो उसमें निराशा की भावना उत्पन्न हो जाती है। जब ये भावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो व्यक्ति में डिप्रेशन की फीलिंग उत्पन्न हो जाती है। ये एरिक्सन द्वारा बताई गई 8 स्टेजेज है, जिसमें उसने बताया है कि जन्म से मृत्यु तक व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बताना।